अगर आप बाइक राइडिंग या स्कूटी राइडिंग के शौकीन हैं। तो अब आपको श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बांडीपुरा में खुल गया है सुल्तानिया ऑटोमोबाइल। इमरान भाई, आपका खैर मकदम है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अपने बारे में बताइए कि आपका जो ये शॉप है वो कहाँ पे पड़ता है। जी, हमारा जो ये शॉप है ये नियर पेट्रोल पंप नादिया बांडीपुरा। तो हमारे पास हर किस्म की बाइक अवेलेबल है, तो आप जो चाहे रेंट पे ले ले या ख़रीद के भी ले ले, या जिसको नई चाहिए नई भी दे सकते हैं हम। अच्छा इमरान भाई, यहाँ पे एक बाइक है डैशिंग बाइक ब्लैक कलर की, तो इसका रेंट क्या है अगर कोई लेना चाहता है दिन के लिए? अगर कोई भाई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो इसको रेंट पे लेना चाहता है तो 1400 रुपये उसको एक दिन के लिए हमने रखा है रेंट पे, 1400 रुपये। अच्छा। दिन में अगर हिमालयन की बात करें, ये हिमालयन हमारे पास है 400 cc बाइक, फुल्ली मॉडिफाइड है बाइक। ये इसमें हमने पीछे से क्रैश गार्ड भी लगाया है, आगे से भी क्रैश गार्ड लगाया है इसमें हमने, और हैंडल गार्ड, पूरी मॉडिफाइड बाइक है ये। तो अगर इसको कोई लेना चाहेगा तो रेंट पे दिन में उसको 2000 देना पड़ेगा, हाँ एक दिन के लिए 2000 रुपये। ये हिमालयन। और हमारे पास अभी है ये क्लासिक 350 है, 2019 मॉडल। ये ABS है, ड्यूल चैनल ABS है, ये ड्यूल डिस्क है, ये भी फुली मॉडिफाइड है। हमने इसमें पीछे से एक क्रैश गार्ड फिट किया है, इंस्टॉल किया है। कस्टमर की डिमांड ही थी कि इसको पीछे से जो ये टायर जो है इसको ये फिट करना है, मॉडिफाइड करना है। तो आगे से इसमें हमने लेग गार्ड, क्रैश गार्ड सारा कुछ फिटेड किया है, और इसमें हमने मोबाइल स्टैंड भी रखा है, और अगर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए भी हमने इसमें अंदर से बराबर टूल किट रखा है। हाँ, टूल किट इसमें हमने रखा है इसके लिए। तो स्कूटीज भी यहाँ पे खड़ी हैं? हाँ, स्कूटी भी यहाँ पे खड़ी है। ये देखो, ये हमारे पास एवेटर हैं, ये हैं 2016 मॉडल, ये एवेटर हैं 2016 मॉडल। ये टोटल चली है 30,000। अगर कोई लेना चाहेगा इसको तो ये हम टोटल हम इसको 25,000 में देंगे ये। हाँ, अगर किसी को लेना है 25,000 में ये पड़ेगी ये वाली। हाँ, हमारे पास ये स्कूटी है MRA 2018 मॉडल है, ये फ्रेश कंडीशन है इसकी। इसकी आप अगर आप यहाँ से देख ले, इसकी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। ये टोटल 15,000 चली है। तो अगर कोई भाई इसको लेना चाहता है तो इसकी रेट जो हमने रखी है 28,000 है टोटल ओनली। कंडीशन देखो यहाँ से, बहुत अच्छी स्कूटी है, माइलेज भी बढ़िया है इसमें। बैक वाला टायर जो है वो हमने इसमें नया लगाया है। इसमें जो भी काम था इसमें वो हमने पूरा कर दिया है इसमें। इसमें सर्विस वगैरह थी वो हमने पूरा कर दिया है इसमें। सीट वीट वगैरह, बाकी जो टूल किट्स है वो भी हमने इसमें बराबर रखा है। अच्छा, और एक यहाँ पे स्कूटी है, तो ये क्या मॉडल है? स्कूटी है ये एंटोर्क है, ये 2019 मॉडल है, 2019 मॉडल। ये टोटल 15,000 चली है, ये टोटल 15,000 चली है। तो हमने इसकी रेट जो है 40,000 रखी है। बहुत ही अच्छी स्कूटी है, कंडीशन बहुत ही ठीक है इसकी, और इसमें भी जो भी काम था हमने कंप्लीट कर दिया। वो इसको ब्रेक शूज़ वगैरह एम ऑयल थे, और बाकी जो एयर फिल्टर वगैरह था वो हमने सारा कर दिया इसमें। अब ये पूरी कंप्लीट गाड़ी है, अगर कोई भाई लेना चाहता है तो वो आ सकता है और ट्राई करके वो ले सकता है। प्राइस क्या बताया आपने? ये पड़ेगा आपको 45। मॉडल कौन सी है ये? 2019 मॉडल है ये, 2019 मॉडल की TVS Ntorq। जी जी जी। ओ, बहुत ही बढ़िया दाम पर दस्तियाब है। ये कौन सी मॉडल है? ये 2017 मॉडल है, ये है YZR। बहुत ही कंडीशन, बहुत ही इसकी अच्छी कंडीशन है। 15,000 चली है टोटल। इसकी कॉस्ट जो है हमने 35,000 ओनली रखा है, 35। 2017 मॉडल आप देख सकते हैं, यहाँ से चेक करो आगे वाला टायर और पीछे वाला टायर जो हमने इसमें नया लगाया है। बाकी सर्विस की काम जो भी था वो हमने इसमें पूरा कर दिया है, सर्विस का काम हमने पूरा कर दिया। आप बस खाली चलाना है इसको, और टाइम पे टाइम इसकी सर्विस हो जाएगी। तो कम से कम 4
पाँच साल ये बहुत ही अच्छी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। हाँ, तो और एक यहाँ पे है, उसके बाद हमारे पास है ये सुजुकी की, ये बर्गमैन है 2018 मॉडल। अगर कोई भाई इसको लेना चाहता है तो 35,000 में हम इसको ये देंगे। ये टोटल 25 चली है टोटल, तो इसकी भी कंडीशन है बहुत ही अच्छी कंडीशन है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, यहाँ की कंडीशन देखो गाड़ी की बहुत ही अच्छी है, न्यू कंडीशन है। यहाँ पे आपको हर किसी गाड़ी का सामान मिलेगा, चाहे रॉयल एनफील्ड हो, हिमालयन हो, बजाज की कोई गाड़ी हो, टीवीएस की कोई गाड़ी हो, हमारे पास सब कुछ जेन्युइन पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ। और नई गाड़ी जो है उसकी सर्विस भी, अगर टीवीएस की बात करें तो टीवीएस की सर्विस हम यहीं पे करते हैं, हर किसी गाड़ी की क्लेम भी यहाँ पे होती है। ये एक बंदा है मेरे पास, ये भाई साहब, ये जो है ऑफ भाई इधर आजा, ये भाई जो है ये सोपोर का है। अच्छा। सोपोर में रहता है ये। अच्छी सर्विस मिलते हैं सर। अच्छा सर्विस अच्छी, हाँ, मिलती है। अच्छा रेट भी मिलते हैं सर यहाँ पे। अच्छी जनाब, जब से मैं यहाँ इस दुकान पे आया हूँ कि सुल्तानिया ऑटोमोबाइल्स के पास, इसके पास बिल्कुल हर एक चीज़ आइटम मिलता है कि, और मेरे पास हिमालयन है, रॉयल एनफील्ड की है, तो मुझे श्रीनगर यहाँ से जाना पड़ता था सर्विस के लिए। जब से मुझे इसके साथ कांटेक्ट हुआ है कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है, कि हर कोई पार्ट मुझे इसके पास मिलता है, और ये बहुत बढ़िया बंदा भी है और जेन्युइन रेट भी देता है और जेन्युइन आइटम्स भी देता है, तब से मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ जब से मैं इसके पास आया हूँ। देखो ये रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन पार्ट हैं। हाँ, किसी भी भाई को जो कुछ भी पार्ट चाहिएगा वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट करेगी, तो हम इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, तो उसमें हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर रखेंगे। तो जिस भाई को जो कुछ भी चाहिए, मॉडिफिकेशन का पार्ट चाहिए या इंजन का पार्ट जेन्युइन चाहिए, बॉडी का पार्ट जेन्युइन चाहिए, ये हमारे पास सब रॉयल एनफील्ड का है जो अवेलेबल है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो बजाज की, तो बजाज की बात अगर हम करें तो अभी लेटेस्ट वर्जन में 220 आई है, 220F, तो उसका जो भी पार्ट आपको चाहिएगा वो हमारे पास अवेलेबल है। जो कुछ भी पार्ट बजाज का आपको चाहिएगा वो हमारे पास पूरा जेन्युइन अवेलेबल है, पूरा जेन्युइन अवेलेबल है हमारे पास। ये बजाज स्पेयर पार्ट है, और इसके अलावा हमारे पास ये मॉडिफाइड का पूरा सामान है। यहाँ पे हमारे पास ये हॉर्न भी है हमारे पास, और प्लेन वाली भी, और हमारे पास हैंड गार्ड भी अवेलेबल है हमारे पास। ये हमारे पास ये जो है कि हिमालयन में लगता है, ये मॉडिफाइड मिरर है, मॉडिफाइड। इसका कॉस्ट जो है टोटल मात्र आपको ये 800 रुपये में मिलेगा, ये वाला पार्ट, ये 800 रुपये में मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो भी पार्ट आपको दिखा रहा है ये सब एक्सेसरीज का पार्ट है, सब एक्सेसरीज। अलावा इमरान भाई, आप रिपेयरिंग का काम भी करते हो? जी, रिपेयरिंग का काम करते हो, ज़्यादातर हम रॉयल एनफील्ड जो है उसका काम करते हैं इधर। ये हमारे पास बाइक आई है, इसमें प्रॉब्लम थी कि इसमें किक स्प्रिंग की जो इशू था, वो किक स्प्रिंग टूटा हुआ था, इसमें वो लगाना है। और बाकी जो हमने मॉडिफाइड इसमें एलॉय व्हील लगाई है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये मॉडिफाइड एलॉय व्हील है। तो अगर कोई कस्टमर ये चाहे कि पीछे से इससे बड़ा टायर मैं लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए तकरीबन उसको 20-25 दिन मोटरसाइकिल यहाँ रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास मॉडिफिकेशन में ही वो आता है, वो स्विंग आर्म, ठीक है, स्विंग आर्म इसमें एडजस्ट करना है, उसमें वो वाला व्हील एडजस्ट हम कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए आपको ये बाइक जो है तकरीबन 25 दिन तक यहाँ छोड़नी पड़ेगी। हाँ, मॉडिफाइड में तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये बाइक हमारे पास आई है, इसमें हमने सर्विस भी की, सब कुछ किया, लेगर्ड आगे से फिट किया है, आगे वाला ये एलॉय व्हील जो है ये हमने इसमें फिट किया है, बाकी सर्विसिंग जो थी वो हमने सारा काम इसमें कम्प्लीट कर दिया है। जो बाहर के आते हैं यहाँ, टूरिस्ट आते, वो अपनी मोटरसाइकिल लेके आते थे या श्रीनगर से बाइकें उठाते थे, तो हमने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ फिट किया है, तो हमने उसमें तकरीबन 20-25 बाइकें रखी हैं, ठीक है, थीके? तो वो यहाँ हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम अपना कॉन्टेक्ट भी देंगे, तो उसमें वो जो बाहर के जो भी हैं उसको जो भी बाइक चाहिए तो वो यहाँ से ले सकता है,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करने पड़ते हैं? जी जी, डॉक्यूमेंट जो है इसके लिए पहली बात तो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आधार कार्ड, पैन, बाकी जो फॉर्मेलिटी होगी वो पूरी होगी इंशाल्लाह। मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि हमें नेक्स्ट संडे पे जो है हमें राइड है यहाँ बांडीपुरा से गुरेज, तो जो भी भाई इसमें आ सकता है तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर रखेंगे, ठीक है, वो हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो अपना फॉर्म वो ऑनलाइन भी भर सकता है। तो हमारे साथ अगर उसको दो दिन या तीन दिन के लिए हम यहाँ से गुरेज इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे जाएंगे। तो आइए सुल्तानिया ऑटोमोबाइल्स पर और ले जाइए अपनी मनपसंद बाइक राइड पर।